ओके, अंडर द सरफेस जेड इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, दिस इज योर फंक्शन, सो यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. गेट इट? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? मेरा और कुलदीप का चालू था. हाँ वॉल्यूम इज भाई, डबल आप लोग बोल रहे इंटीग्रेशन थे वो एफ कौन ऑफ कौन था, वो तो मैं एक्स पढ़ा वाई. था मैंने. जेड इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वाई, सो आई विल राइट इट हियर, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. इज इट क्लियर एवरीवन? अगर एफ ऑफ एक्स वाई को वन पुट किया होता तो ये क्या देता? मेरे को एरिया देता. करेक्ट? लेट मी टॉक ग्राफिकली. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो एक्स प्लस, व्हाट इज द फंक्शन? ई रेज टू एक्स. सो ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इधर कुछ तो बनाएगा, वो कोई तो रहेगा. एंड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस हियर देयर विल बी समथिंग. वी नीड टू ड्रॉ दिस. मोस्टली इट सीम्स टू बी सर्कल विथ रेडियस. इट विल बी समथिंग लाइक अ रिंग एक्चुअली, 1/1 एंड 1/3. सो समथिंग ऐसा रीजन है, इसी को मैं फ्लिप करके ऊपर रखा लाइक दिस. करेक्ट? सो वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम, दैट इज एरिया. दिस इज माई रूफ. नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. सो ये सब पार्ट में अपने को ग्राफ से ज़्यादा लेना देना है नहीं. वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डू दिस पार्ट. करेक्ट? सो दिस इज वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. वी जस्ट नीड टू डिसाइड दिस डबल इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आएगा. करेक्ट? कैन समबडी टेल मी क्या करें अभी? हियर इट इज डी एक्स डी वाई, बट योर रीजन इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा. वॉट शुड वी डू? शैल वी पैरामेट्राइज इट? पोलर कोऑर्डिनेट क्या था? सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. देन इंटीग्रेशन में क्या चेंज होता है? यस एनी वन? यहाँ पे क्या चेंज होता है? एट द प्लेस ऑफ एक्स इट विल बी आर कॉस थीटा, एट द प्लेस ऑफ वाई इट विल बी आर साइन थीटा, एंड डी एक्स डी वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय. यस, वेरी नाइस. आर डी आर डी थीटा, वेरी नाइस. सो वी आर हैविंग बाउंड फॉर आर इज 1, 2, 3 एंड फॉर थीटा इट इज 0 to π/4. सो इन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू राइट दिस. That is double integration. Here it will be r dr d theta, and here it will be function. Then let me write is f of r cos theta, comma r sin theta. So ये पैरा पोलर कोऑर्डिनेट कब यूज करने का? मोस्टली इफ इन योर फंक्शन देयर इज अ टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा कोई टर्म हो तभी यूज करने का बेसिकली. एंड इधर तो एक्चुअली वो लोग ने पहले ही r दे दिया है, तो देर इज नो इशू. In some cases you need to find this also by solving, by substituting both the curve. जो भी रहा intersection point will be that r and theta. So what is that? R पे limit क्या है? That is 1, 2, 3, and so this is 1, 2, 3 and this is 0 to π/4. Correct? So what will be this 0 to π/4? And this is 1, 2, 3. What is the f of r cos theta, r sin theta? क्या आएगा ये? What is your function? E raised to x square plus y square. So that will be e raised to r square cos square plus r square sin square. That is e raised to r square. Can you see that? So this will be e raised to r square into r dr d theta. ठीक है? Okay. अभी next कैसे solve करें इसको? Can somebody tell me? यस, टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन क्या करूँ अभी मैं? यस, लेट मी आस्क, कैसे तुम लोग नहीं बोलोगे? साइली, कैन यू हियर मी? नंबर 120. या अभी ये कैसे सॉल्व करें इंटीग्रेशन? डू यू हैव एनी आइडिया?
क्या करूं? मिस साइली, सी देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो आई डोंट अंडरस्टैंड. यू शुड सी, वी ऑल नो दैट देर इज नो वन दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो हु नोज एवरीथिंग. देर मे बी समथिंग यू नो बेटर देन मी. इट्स जस्ट दैट वी शुड टॉक, बिकॉज इफ वी शेयर आवर थॉट्स देन ओनली वी कैन एबल टू लर्न दैट, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग आर नॉट. बेसिक इंडिकेशन है, इवन आई थिंक 12th स्टैंडर्ड सेकेंड एक्सरसाइज में भी आई कैन सी. अभी इतना हिंट दे दिया, अभी नहीं बोलूँगा मैं. लेट मी आस्क समवन एल्स. गिरिजा 104 रोल नंबर. कैन यू हियर मी गिरिजा? कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? डू यू गाइज हैव दैट ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड इन दिस? Can you see that option in your mobile or whatever you are using? Is there option of raising hand? Okay, so maybe. Okay, no problem. Yeah. So okay, those who know that how to solve just can say yes. I know we don't have that raise option button, so I will ask like that only now. Okay, yeah. Very nice. Shreyas bola na. हाँ हेलो. यस यार, अरे हाँ, लेकिन तूने बोल क्यों दिया? अभी तूने सबको बता दिया. आई वॉज आस्किंग, इसलिए मैंने जस्ट बोला कि हाँ रेज करो, हाथ उठाओ, एटलीस्ट बोलो. तूने बता दिया सबको, तूने सबको बता दिया अभी. वेरी नाइस, वेरी गुड. आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करे, करेक्ट, वेरी गुड. क्यों आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करे? बिकॉज सी इंटीग्रेशन का अगर टेबल देखो तो इंटीग्रेशन में तुमको ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज ई रेस टू एक्स होता है. बट यू डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो. सो द थिंग इज दैट दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो नाउ द थिंग इज दैट अगर मेरे को एक्स स्क्वायर को सब्सिट्यूट करना है तो इसका डेरीवेटिव आएगा, बट इसका डेरीवेटिव आर स्क्वायर है. आर स्क्वायर का डेरीवेटिव क्या आएगा? टू आर. डू यू सी दैट आर इज ऑलरेडी देयर, करेक्ट? सो दैट्स वाई विल डू दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड. गुड. ये आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? श्रेयस बोल रहा था आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. ओके ओके, ठीक है. मतलब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, सो लेट मी पुट आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या पुट करें? टी पुट करो, चलेगा? सो व्हाट इज डेरिवेटिव? टू आर डी आर इक्वल टू डी टी. वट इज नेक्स्ट? अपने को क्या चाहिए? आर डी आर चाहिए. डू यू सी दैट? सो आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई टू. सो दीज आर द बेसिक. अभी हम लोग डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन करने वाले, तो बेसिक इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन ही कराया तुम लोग को. हाँ, सो द थिंग इज दैट यहाँ पे लिमिट भी चेंज होएगा ना. व्हेन आर इक्वल टू वन देन टी विल बी वन, व्हेन आर इक्वल टू थ्री देन टी विल बी, यस, आर स्क्वायर ना, दैट इज नाइन. सो इंटीग्रेशन दिस विल बिकम फ्रॉम वन टू नाइन. आई होप इट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दिस इज ई रेज टू टी एंड आर डी आर विल बी, कैन यू सी दैट, डी टी बाई टू. And this is d theta. Is it clear, everyone?
नेक्स्ट स्टेप अभी तो डायरेक्ट है. यस, लेट 1/2 आउटसाइड, दिस इज 0 to π/4. वट इज इंटीग्रेशन ऑफ इरेज टू, दैट इज इरेज टू टी ओनली. एंड लेट मी पुट द वैल्यूज 1 to 9, एंड हियर इट इज डी थीटा. इज इट क्लियर एवरीवन? अभी तो कुछ डाउट? ये क्वेश्चन में मोस्टली तुम इंटीग्रेशन ही करने वाले हो हर एक चैप्टर में, इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इंटीग्रेशन ही करने वाले हो. द थिंग इज दैट तो इसीलिए बेसिकली अपने को आना चाहिए इंटीग्रेशन. व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यस, सो इट विल बी 0 to क्या है, π/4 है ना. सो 1/2 इज आउट साइड, दैट इज e^9 माइनस e^1, एंड दैट इज अ कॉन्स्टेंट ओनली, एंड हियर इट इज डी थीटा. आई होप दिस इज द थिंग करेक्ट. यस, नाउ दिस थिंग इज कॉन्स्टेंट, वी नीड टू हैव द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, दैट इज़ वॉट एवर इट मे बी, एक्स और जो भी है, ठीक है. सो अगर एक्स बोला तो, या थीटा आएगा इधर, थीटा बोला तो दैट इज योर थीटा, एंड लिमिट क्या है, 0 to π/4. सो वट विल बी योर फाइनल आंसर, 1/2 इंटू e^9 माइनस ई इंटू π/4 माइनस 0, करेक्ट. सो दिस विल बी π/16 e^9 माइनस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. डू यू सी दैट एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू यू? लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन. वी स्टार्टेड विद दिस. अरे ये π/4, ओ सॉरी π/8 है. यस, ठीक है. सो लेट मी जस्ट रिपीट द क्वेश्चन. सो दिस वॉज द क्वेश्चन गिवन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेयर आर इज योर रीजन एंड योर फंक्शन f(x,y) इज गिवन दिस. सो वी सॉ दैट आर मेरा क्या था, आर एन थीटा में था, तो अपने को पैरामेट्रिक करना पड़ेगा. सो पैरामेट्रिक के लिए अपने को क्या है, dx एंड dy इज रिप्लेस्ड बाय r dr d थीटा, एंड योर फंक्शन विल बी r cos theta r sin theta. सो दैट्स इट. वो सॉल्व किया, फिर e^r² था तो उसको पुट किया, एंड दैट्स इट. हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, सॉरी एक्चुअली देयर इज सम इंटरनेट इशू टुडे. ओके, शैल आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस बेस्ड ऑन दैट पोलर फॉर्म ओनली. ओके, आई वॉज नॉट सपोज टू सी दैट पोलर फॉर्म, दैट वॉज बाय मिस्टेक. या फाइंड द एरिया of the region between the circle. I think शायद मैं ये question किया होंगे. If I am repeating just can, but somebody please tell me, okay? अगर किसी को याद हो, but मुझे याद नहीं है, शायद मैंने ये question किया होगा. I don't know. Yes? ओके, सो करना क्या है तुमको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. सो लेट अस ड्रॉ दिस.
व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, कैन समबडी टेल मी? ड्रॉ कैसे करें इसको? यस, फर्स्ट फर्स्ट ग्राफ कौन सा ग्राफ है? किसका ग्राफ है? लेट मी आस्क विद समवन. ओके, इज सिंपी 115 रोल नंबर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होएगा? ओके, यस यस, यू कैन नॉट सी द स्क्रीन. ओके, अदर्स, बाकी लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन? बाकी लोग, कैन यू सी द स्क्रीन? मे बी सिंपली देयर मे बी सम टेक्निकल इशू, यू कैन गो बैक एंड टेक इट वंस अगेन. हाँ राजेश, राजेश, कैन यू हियर मी राजेश? ये फोन साइड में रख के सो रहा है क्या? हेलो राजेश, हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है? सॉरी, एक्चुअली मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है आज. हाँ सर्कल, वेरी नाइस. व्हाट अबाउट दिस, दिस इज़ आल्सो अ सर्कल? सो ये जो मैंने पहला ड्रॉ कर दिया, इसका रेडियस बने, ये वाला क्या है? ओके, सर्कल नहीं है फिर क्या है? एनीथिंग एल्स? प्रतीक्षा बोलो. वेरी नाइस, सेंटर माइनस 1,0, करेक्ट, वेरी गुड प्रतीक्षा. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सर्कल? दैट इज एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड. सो वी नीड टू कंपेयर ये सब. मैंने आई थिंक ये सब की भी एक लेक्चर लिया था मैंने, टू टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ. यस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड द ग्राफ. सो ये क्या है? कैन यू सी दैट दिस इज योर माइनस 1,0? सो इन दिस सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ. ओके, सो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. सी, यू नीड टू फाइंड द एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन. क्या करें बोलो? यस, डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा ना, करेक्ट? देन ओनली यू विल गेट द एरिया. डू यू सी दैट? अगर वॉल्यूम पुट करना होता तो यहाँ पे फंक्शन आता, अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 1 आएगा. एंड ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस, ये सब यहाँ से निकालना पड़ेगा. बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे तो यू शुड टेक पैरामेट्रिक फॉर्म, देन दैट विल बी गुड, इजेंट इट? यस, लेट अस सब्स्टिट्यूट आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा इन बोथ द इक्वेशन. So if I put it in the first equation, I am getting r equal to 1. Do you see that? R cos theta the whole square plus r sin theta the whole square equal to 1. So that is r equal to 1 you are getting from here.
यस सिंस इट इज रेडियस. ओके इफ आई पुट इट इन द सेकेंड इक्वेशन देन सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. सो एट द प्लेस ऑफ एक्स वी आर गोइंग टू राइट आर कॉस थीटा प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू वन. सो ये क्या आएगा कैन समबडी क्विकली टेल मी. आर स्क्वायर तो मेरे को दिख रहा है बाकी यस 2r cos theta ना प्लस 1 इक्वल टू 1. सो 1 1 गया ये भी. सो दिस इज r इंटू आर प्लस 2 cos theta. यस दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट r तो 0 नहीं रहेगा बिकॉज रेडियस 0 तो मतलब कुछ बचा ही नहीं. सो r मस्ट बी माइनस 2 cos theta. Is it clear everyone? See why R is like this because you can see जो हम लोग को निकालना है एरिया उसमें हर एक केस में रेडियस इज नॉट कॉन्स्टेंट. इफ आई से रेडियस समथिंग लाइक दिस इट इज नॉट कॉन्स्टेंट इट वेरीज ऑन योर थीटा. सो दैट्स वाई योर वी आर गेटिंग आर का वैल्यू यहाँ पे वन था एंड वट इज हियर इट इज माइनस टू कॉस थीटा. सो आर पे लिमिट मिल गया मेरे को. आर वेरीज फ्रॉम वन टू माइनस टू कॉस थीटा. ठीक है आर का लिमिट मिल गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट. अभी थीटा फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं याद है किसी को कैसे करते हैं. यस हाउ टू सॉल्व थीटा हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा. हाँ बट यहाँ पे आर पे कंडीशन है ना. कैन यू सी दैट आर इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू टू. सो पहले ही मैंने बोला कि अपने को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो पहले मैंने एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट कर दिया. अभी इधर आर इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा है एंड यहाँ पे आर इक्वल टू वन है. लेट अस डिवाइड बोथ. सो यू विल बी गेटिंग दिस दैट इज आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा अपॉन वन. डू यू सी दैट. So that is cos theta equal to minus half. Is it clear? This was your equation one. This was your equation. Theta चाहिए मतलब क्या r को गायब करना है ना. That is the thing. If you want the value of theta, the thing is that r को गायब करो. That's it. So r को गायब कैसे करते हैं हम लोग divide करते हैं mostly. Yes. What next? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है तो अभी क्या करूँ इसको मैं. दैट इज माइनस कॉस हाफ कब आता है ये पाई बाई थ्री शायद ना. यस हेलो कैन यू हियर मी. अरे आवाज आ रही है क्या. सो दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई थ्री. अभी क्या करूँ कैन समबडी टेल मी नाउ. अभी आई थिंक यहाँ पे दो केस आएगा जब भी ऐसा आता है. तो सिंस वी आर वर्किंग ऑन फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम सो अपने को हमेशा इसका दो सोल्यूशन तो मिलेगा जीरो टू टू पाई के बीच में. यस इज इट क्लियर एवरीवन. दो सोल्यूशन मिलेगा जीरो टू टू पाई के बीच में. सो लेट अस फाइंड. सो क्या लिखो माइनस आ रहा है मतलब क्या लिखने का. कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस पाई बाई थ्री. इज इट ओके. 180 माइनस मतलब क्या. आई एम कमिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है साइन और कॉसेक एंड दिस इज कॉस तो नेगेटिव आया. इज इट क्लियर कैन आई राइट दिस एज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या.
यस इवन 180 प्लस थीटा को भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, आई विल बी गेटिंग टू एंगल्स. सी ऐड किया मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पॉजिटिव होता है थर्ड में, करेक्ट टेन और कॉट, और ये कौन है कॉस, सो इसलिए माइनस कॉस. डू यू सी दैट, तो मेरे को इधर से थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज थ्री पाए माइनस पाए, दैट इज टू पाए बाय थ्री, एंड यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, फोर पाए बाय थ्री, करेक्ट. सो योर थीटा वेरीज फ्रॉम टू पाए बाय थ्री टू फोर पाए बाय थ्री. डू यू सी दैट, तुम लोग का करना क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करके आर साइन थीटा, पहले r को फाइंड आउट करने का, मोस्टली r पे लिमिट फाइंड आउट करने का. सो अपने को दिखा दो इक्वेशन, इधर से r मिल गया ये, इधर से r पे कंडीशन क्या मिला, r इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा मिला. सो इससे ये क्लियर हुआ कि अपना इंटीग्रेशन में पहले r अंदर रहेगा देन थीटा बाहर रहेगा. डू यू सी दैट वाई इट इज़ क्लियर, बिकॉज यहाँ पे बाहर cos मतलब r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos थीटा आ रहा है, सो बाहर मेरा थीटा रहेगा. ना वॉट, अभी मेरे को थीटा चाहिए, तो थीटा मोस्टली हम लोग कैसे निकालते हैं, इवन अगर तुम लोग नॉर्मली देखो पैरामेट्रिक में, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हम लोग थीटा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं मोस्टली, सो दैट आर आर कैंसिल हो जाए. सो इधर भी वही किया मैंने, डिवाइड किया, सो आई एम गेटिंग आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा अपॉन वन, यस डिवाइडिंग टू बाय वन, आई कैन राइट इट लाइक दिस. सो दैट इज़ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, हाफ का वैल्यू क्या होता है कॉस पाई बाय थ्री, दैट इज़ कॉस सिक्सटी. सो माइनस में अभी मेरे को पता है कि फोर कॉर्नेट सिस्टम में जब भी ऐसा आया तो इसका दो वैल्यूज आता है हमेशा, अगर जीरो टू टू पाई में, इट हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, बट अगर जीरो टू टू पाई में देखा तो मोस्टली दो सोल्यूशन आएगा. सो द फर्स्ट सोल्यूशन मैंने क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 माइनस पाई बाय थ्री लिया, दैट इज़ थीटा इक्वल टू ये आया, एंड सेकेंड सोल्यूशन दिस कॉस थीटा इक्वल टू ये, सो थीटा इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री. सो वी गॉट योर थीटा का वैल्यू भी मिल गया एंड आर का वैल्यू भी मिल गया. शैल वी स्टार्ट द विद द फंक्शन. सो मेरा एरिया क्या आएगा, कोई बताएगा, इन टर्म्स ऑफ आर डी आर लिख रहा हूँ मैं, पहले लेट मी राइट इट इन फंक्शन ऑफ डी एक्स डी वाई, देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू राइट इट एज, यहाँ पे क्या आएगा, आर डी आर डी थीटा, करेक्ट. वट इज़ बाउंड फॉर आर, वन टू क्या था वो, माइनस कॉस था ना, आई थिंक माइनस टू कॉस थीटा था शायद, लेट मी सी, हाँ ये ही. एंड वट इज़ बाउंड फॉर थीटा, टू पाई बाय थ्री टू फोर पाई बाय थ्री, हियर इट इज़ टू पाई बाय थ्री, हियर इट इज़ फोर पाई बाय थ्री. डू यू सी दैट, सो दीज ऑल थिंग पैरामेट्रिक में ईजी हो गया, अगर एक्स वाई में करते तो बहुत प्रॉब्लम होता है. एक्स वाई में करना मतलब क्या, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, गेट द बाउंड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स पे बाउंड निकालना एंड वाई पे बाउंड निकालना, करेक्ट, एंड अंदर तो वो नहीं रहेगा, दैट्स इट. सो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस केस. सो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने पे ये इजी हो गया ना, जस्ट द थिंग इज दैट पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व करना आना चाहिए. शुड आई रिपीट इट वंस अगेन, क्या किया पूरा, और इज इट ओके टू यू, Should I repeat it or is it okay? अभी कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या समझूँ इसमें, बिल्कुल नहीं समझाया, समझा. ओके लेट मी रिपीट इट. सो वी नीड टू, हाँ हाँ मैं आता हूँ उस पर भी, लेट मी डू दिस फ्रॉम स्टार्ट. सो मेरे को ये निकालना था, सो मैंने एक ड्रॉ किया, करेक्ट. सो नाउ द थिंग इज दैट अपने को आर और थीटा के केस में लेना है मेरे को, तो मैंने पुट किया आर इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. पहले इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को आर इक्वल टू वन मिल गया, दूसरे इक्वेशन में पुट किया मैंने, ये इक्वेशन है अपना, दूसरे इक्वेशन में पुट किया तो ये देख लो, दैट इज़ एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. सो ये सॉल्व करते गया तो इधर से मिला आर इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा. सो मेरे को दो आर का वैल्यू ये मिल गया और पीछे भी आर इक्वल टू वन मिल गया.
अभी मेरे को थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, मोस्टली जो भी आर हो उसको गायब करके, जो भी इक्वेशन में आर हो ऐसा, करेक्ट? सो वी सी दैट इक्वेशन वन में आर इक्वल टू वन है, इक्वेशन टू में आर इक्वल टू माइनस टू, बिकॉज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ही ले रहे हैं ना, इंटरसेक्शन दैट मीन्स वी आर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। सॉल्विंग मतलब क्या, एक इक्वेशन की वैल्यूज को दूसरे में पुट करने का, दूसरे को इसमें, विल गेट द लिमिट, दैट इज वॉट वी आर डूइंग, करेक्ट? नेक्स्ट क्या आएगा ये, सो हियर वी गॉट आर वैल्यूज फ्रॉम वन टू माइनस टू, माइनस टू कॉस थीटा, तो आर का वैल्यू मिल गया मेरे को। नेक्स्ट वॉट, लेट अस डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, सो आर बाय आर तो कैंसिल हुआ, ये क्या आया, माइनस टू कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, डू यू सी दैट, ये आर आर कैंसिल हुआ, सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ आया, तो वो हाफ कब आता है, सो मैंने जस्ट माइनस कॉस पाई बाय थ्री लिख दिया। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड थीटा, अभी मेरे को इतना पता है जब भी ऐसा आया कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग, सो इट हैज़ टू सोल्यूशन ऑन टू पाई प्लेन, दैट इज़ ये 360 प्लेन में इट हैज़ टू सोल्यूशन, करेक्ट? मे बी तुम लोग ने बोला होगा इसको शायद प्रिंसिपल सोल्यूशन ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल नेम, शायद प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं मे बी, ओके? सो नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग, अभी कॉस का नेगेटिव चाहिए, तो कॉस ऑफ, आई कैन राइट इट हियर, कॉस ऑफ पाए माइनस थीटा क्या होता है एंड कॉस ऑफ पाए प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है? अभी ये जानने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, पाए माइनस थीटा, पाए माइनस थीटा मीन्स आई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी अपने को पता है जब भी पाए का या टू पाए का और थ्री पाए एन पाए का किया तो कॉस का वैल्यू कॉस ही रहता है, मतलब आंसर विल बी कॉस थीटा ओनली, हियर ऑल्सो आंसर विल बी कॉस थीटा ओनली, द थिंग इज दैट, और अगर ऑड मल्टीपल हो पाए बाय टू का, सो कॉस का चेंज होएगा साइन थीटा में, हियर कॉस का चेंज होएगा साइन थीटा। नेक्स्ट थिंग इज तुमको देखना है पॉजिटिव आए कि नेगेटिव है, सो हियर दैट्स, सो ये क्या था कॉस ऑफ पाए माइनस थीटा था, तो पहले मैंने पाए देख लिया तो आंसर मैंने कॉस थीटा लिख दिया। नेक्स्ट थिंग इज अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वो कैसे देखेंगे, पाए माइनस किया दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है, साइन और कॉसिक, और ये कौन है, कॉस है, सो इसलिए यहाँ पे माइनस। सेम हियर ऑल्सो पाए प्लस समथिंग है, मतलब इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टेन एंड कॉट, सो अगेन इट इज़ माइनस, सो आई एम यूजिंग फ्रॉम हियर माइनस कॉस थीटा, दैट इज़ माइनस कॉस पाई बाय थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री एंड हियर ऑल्सो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री, करेक्ट? सो हियर अभी देखो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, टू पाई बाय थ्री एंड थीटा, इज इट क्लियर नाउ, समझे? ये जस्ट पता रहना चाहिए तुमको, बेसिक 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड है, दैट इज़ वॉट यू नीड टू सी, ये जब भी पाई का एडिशन हो एन पाई का एडिशन हो सो कॉस का कॉस ही रहता है, करेक्ट? या कोई भी साइन ले लो, टेन ले लो, सो टेन का टेन ही रहता है, इट वोंट चेंज। अगर ये पाई बाय टू का और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हो, दैट इज़ ये एक्सिस पे हो, सो इट विल चेंज कॉस का साइन हो, अगर ये एक्सिस पे रहेगा सो इट विल बी सेम। सो पहले वही लिखा, फिर जस्ट यू नीड टू चेक यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट विल डिसाइड बाय कौन से इंटरवल में, कौन से क्वाड्रेंट में है वो, दैट्स ओके। ओके, सो नाउ वी हैव थीटा वेरीज फ्रॉम 2 पाई बाय 3 टू 4 पाई बाय 3, सो दिस इज योर एरिया, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 4 बाय 3, और ये 1 से माइनस 2 कॉस थीटा आर डी आर डी थीटा है, करेक्ट? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, सो दिस इज 2 पाई बाय 3 एज इट इज एंड हियर 4 पाई बाय 3 एज इट इज, ये क्या है आर डी आर, सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर बाय 2 एंड योर लिमिट इज 1 टू माइनस टू कॉस थीटा डी थीटा, डी थीटा हियर, करेक्ट? सो व्हाट विल बी दिस नाउ, क्या आएगा ये, दिस इज 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3, दिस विल बी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2, करेक्ट? यस, ठीक है क्या? अरे भाई कोई बोलेगा कि नहीं,
अभी क्या करूँ? नेक्स्ट स्टेप नाउ हु विल टेल मी व्हाट शुड आई डू द नेक्स्ट? अभी बोलो कैसे सॉल्व करें इसको. शुड आई गो टू द नेक्स्ट पेज? आई विल राइट द सेम थिंग. 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ, सो लेट मी राइट इज एट 1/2. एंड व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन? 2π/3 टू 4π/3. एंड हियर क्या था वो? 4 cos² था शायद. 4 cos² θ - 1 d θ. अभी कौन बताएगा? लेट मी आस्क विद समवन. ओके, जिसको पता है दोज रेज हैंड का तो ऑप्शन नहीं है. मोस्टली आई थिंक जैमिन ने लास्ट टाइम उठाया था. हाथ कैसे उठाया था? उसमें ऑप्शन है, बाकी सब में क्यों नहीं है फिर? जैमिन, आर यू यूजिंग इट इन योर फोन और लैपटॉप? उसमें है ऑप्शन तेरे में, बाकी में क्यों नहीं है फिर? ओके ठीक है. ओके सो अभी क्या करें इसमें? कौन बोलेगा मेरे को? देन समबडी, और मैं ही पूछूं एक एक से. कौन सा फॉर्मूला? या वेरी गुड. ऐसा लिखो चलेगा पहले में? करेक्ट. अभी cos² θ या 2 cos² θ ही लिखता हूँ, चलेगा? तो यही क्या आएगा? 1 + cos. वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके सो यहाँ पे 4 cos² θ, आई विल राइट इट एज 2 × 2 cos² θ. सो आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस. सो दिस इज 1/2. ऐसा क्यों किया? रीज़न क्या था? बिकॉज 4 cos² था, cos² का मेरे को इंटीग्रेशन नहीं पता. करेक्ट. वी नो द इंटीग्रेशन फॉर cos, sin एंड everything. सो वी हैव द फॉर्मूला, दैट्स why. सो 2 बाहर रखा मैंने. व्हाट इज 2 cos² θ? दैट इज 1 + cos² θ. एंड दिस इज -1 एंड हियर d θ. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? दिस इज 1/2. This is 2π/3 to 4π/3. एंड ये क्या आएगा? 2 cos² θ आएगा एंड +1 आएगा ना, करेक्ट? अभी तो ईजी है, अभी कुछ करना है क्या इसमें? 1/2 ऐसे ही रखा. हाँ, वॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos² θ? 2 बाहर रखा मैंने. वॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos² θ? वेरी नाइस, sin² θ/2. डिवाइडेड बाई 2 क्यों करते हैं? जब भी थीटा और जो भी हो, x हो, अगर वो ax + b के फॉर्म में हो तो यू नीड टू डिवाइड बाई a. ये सब बात किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में. एंड +1 है तो इसका क्या करें? दैट विल बी जस्ट थीटा. एंड योर लिमिट इज 2π/3 एंड 4π/3. करेक्ट. सो वी विल जस्ट पुट द लिमिट एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझा इसमें? ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना इज नॉट हाई टास्क. जस्ट मेन थिंग इज दैट ये फाइंड आउट करना ये लिमिट क्या होता है. उसके आगे का तो इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा ये इंटीग्रेशन. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिम एंड यू? द थिंग इज दैट टू फाइंड द लिमिट्स आर एंड आर पे लिमिट एंड थीटा पे लिमिट. इज इट क्लियर? हाँ, मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा तुम लोग को ये टाइप के क्वेश्चन करने में, बट द थिंग इज दैट प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए.